तुम्हारे साथ एक सेशन और करना होगा मेरे झील किनारे वाले आउट हाउस में, आज रात को 10 बजे आ जाना। स्वामी जी, किसने किया स्वामी जी? तुम्हारी बहन ने। मैं स्वामी जी के आश्रम के बाहर ही था और वहाँ मैंने सिर्फ मिस प्रज्ञा को बाहर आते हुए देखा, इनकी बहन को नहीं। अब तो साबित हो गया ना योर ऑनर कि कोई बहन है ही नहीं, देयर इज नो सिस्टर। तुम भी धोखा खा गए केडी पाठक। अचानक तुम्हें क्या हो गया प्रज्ञा? मैं प्रज्ञा नहीं, ऋचा हूँ और मेरी बहन बेकसूर है। वो डरपोक को तो एक मच्छर मारना नहीं आता और तुम्हें लगता है कि उसने उस स्वामी को मारा है? अगर तुम लोगों की वजह से उसे कुछ हुआ ना तो मैं मार दूंगी तुम्हें, मैं मार दूंगी तुम्हें, मार दूंगी तुम्हें, समझ में नहीं आया? You okay? सर, मैं अचानक क्या हो गया तुम्हें? कहने लगी मैं प्रज्ञा नहीं ऋचा हूँ। सर, मैं ऋचा नहीं, कैसे बन सकती हूँ? आप लोग मुझे थे, मैंने सुना कि ऋचा दी मर गई है। इस लड़की के केस के चक्कर में केडी ने एक बड़ा काम जरूर कर दिया। इस डायरी में ऐसे ऐसे लोगों के नाम है कि स्वामी सत्यानंद का सत्य बाहर आ जाएगा। सावंत, चिन्मय ने इस डायरी के बारे में मुंह खोला? नहीं सर, अब तक तो नहीं। I think it is an extreme case of schizophrenia. एक मानसिकता में दो व्यक्तित्व, एक प्रज्ञा तो दूसरी उसकी बहन ऋचा। तो ठीक है ना, पूछिए इससे किसने मारा स्वामी को, इसने या ऋचा ने? राठौर प्लीज, जस्ट अ मिनट। डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम ये है कि प्रज्ञा को जब होश आया उसे याद नहीं था कि वो ऋचा बनी थी। वो इसलिए कि ऐसे केसेस में एक समय में एक जिसमें एक ही व्यक्ति होता है और दूसरे को उसके बारे में उसके वहां होने का पता भी नहीं होता। अगर ये ऋचा बनकर कुछ करेगी तो प्रज्ञा को इसके बारे में पता भी नहीं होगा। वैसे भी सजा एक को हो या दूसरी को, जेल तो यही जाएगी। क्या बोल रहे सर कि मैं ठीक नहीं हूँ? अपने 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 आप को ऋचा दीदी समझ रही हूँ, पता नहीं सर क्या हो रहा है मुझे, ये सब समझ में नहीं आ रहा है सर। प्रज्ञा, तुम्हें पहले कभी ऐसा दौरा पड़ा था? सर, मुझे कैसे याद रहेगा, अगर पढ़ा भी होगा तो मैं कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ऋचा दीदी बनके स्वामी जी को मार दूं? नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती सर। मैंने जानबूझकर नहीं मारा सर, ये यकीन मानिए, मैंने जानबूझकर नहीं, मुझे डर। डरपोक कहीं की, जब देखो रोती रहती है। तेरी बहन जिंदा है अभी तुझ में, समझ में आया तुझे, जिंदा है। क्या मिस्टर पाठक, कैसे वकील हैं आप? मेरी बेकसूर बहन को बचा नहीं सकते? राठौड़, मेरी बहन को हथकड़ी लगाएगा तू? अबे साले, हिम्मत है तो मुझे लगा के दिखा। ए, नाटक बंद कर। नाटक साले। प्रज्ञा, मैं ऋचा हूँ, प्रज्ञा नहीं।
या कुछ से डर जाऊं, समझ में आया? मतलब रिचा कभी थी ही नहीं, वो प्रज्ञा ही थी जो जो अपनी बहन बनकर उसकी आवाजें निकाल रही थी। राइट। तभी उस दिन किसी ने भी रिचा को देखा नहीं, सिर्फ उसकी आवाज सुनी। आपको जैसा लग रहा है, चुप डफर कहीं की। बड़ा मजा आ रहा है ना तुझे उस कमीने के साथ जाने में? ये सोच रहा हूं कि अगर रिचा नहीं है तो वो लड़की कौन थी जिसने मुझे फोन किया? केडी पाठक, पुलिस से कहिए मुझे ढूंढना बंद करे। मिस्टर पाठक, मैं किसी के हाथ नहीं आने वाली। कौन, रिचा? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी सर। इट्स वेरी ऑब्वियस कि प्रज्ञा नहीं हो सकती, बिकॉज प्रज्ञा उस दिन जेल में थी। सर, अब प्रज्ञा का क्या होगा? पता नहीं प्रतीक, बोलना कठिन है। सर्वप्रथम तो डॉक्टर की रिपोर्ट्स मुझे अदालत में प्रस्तुत करनी पड़ेगी। ये साबित करना पड़ेगा कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, प्ली फॉर इंसैनिटी, और फिर जज साहब पर निर्भर करेगा कि वो क्या सोचते हैं, सजा कम होती है या सजा माफ होती है। लेकिन एक बात तो तय है, चिकित्सा के लिए तो जाना ही पड़ेगा। It's as good as imprisonment. लेकिन सर, मर्डर की वजह क्या थी? प्रज्ञा रिचा बनकर स्वामी सत्यानंद को क्यों मारेगी? वजह मैं जान गया हूँ सर, मैं जान गया हूँ कि प्रज्ञा ने सत्यानंद को क्यों मारा है। क्यों? देखा, अब मुंह खोला ना तूने? चल अब बता, इस डायरी का चक्कर क्या है? मैं सब बताता हूँ आपको सर। मैं जो कुछ करता था स्वामी जी के कहने पर करता था, उन्हीं के कहने पर चलता सर। मैं सर उनके उनके पास बहुत सा ब्लैक पैसा है, करोड़ों का, स्विस बैंक में। और सर ये तो बस आधी इंफॉर्मेशन है, बाकी इंफॉर्मेशन तो उनके लॉकर में है। लेकिन वो सब ले गए, स्वामी जी के ध्यान कक्ष से चाबी चुराई उस लॉकर की। कौन कौन ले गई? स्वामी सत्यानंद की पत्नी। स्वामी शादीशुदा था जी। ये सब तो मुझे अभी बता रहे। I'm sorry, sir. Sorry का क्या मतलब होता है? सर, मुझे लगा इससे प्रज्ञा का केस और बिगड़ जाएगा, इसीलिए। और प्रज्ञा भी शर्म के मारे नहीं चाहती थी कि मैं ये सब आपको बताऊं। I'm really sorry, sir. Your Honor, इन तस्वीरों को देखने के बाद और SMS पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वर्गीय सत्यानंद जी और प्रज्ञा के बीच केवल गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं था, कुछ और भी था। Order, please, order. प्रज्ञा, जुल्म करना पाप है तो जुल्म सहना भी पाप है। अदालत को बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ। स्वामी जी मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। ब्लैकमेल? किस बात को लेकर? सर, शुरू में मैं जनरली स्वामी जी से अट्रैक्ट हो गई थी, जिस दौरान उन्होंने मेरी कुछ
ऐसी तस्वीरें खींची जिसकी वजह से मुझे उनके साथ और वो चाहते थे कि मैं उनके मंत्री और बिजनेसमैन दोस्तों के साथ संबंध बनाऊं और अगर ऐसा नहीं करती तो वो मेरी फोटो मीडिया में वंडरफुल सुपर ओके लेट मी अंडरस्टैंड कि स्वामी सत्यानंद अपने फायदे के लिए अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए अपने क्लाइंट बढ़ाने के लिए वगैरह वगैरह आपका नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे राइट और जाहिर सी बात है कि आप इस दलदल से बाहर निकलना चाहती थी करेक्ट कम से कम हमें केस का मोटिव तो पता चला कि खून क्यों हुआ तो मिस प्रज्ञा स्वामी सत्यानंद जी के अत्याचारों से तंग आकर परेशान होकर आपने डिसाइड कर लिया भाई बहुत हो गया आप सैड नहीं होता और आप ये सोचकर पहुंच गई स्वामी सत्यानंद जी के आउट हाउस के बाहर कुछ भूल रही है ना क्या कि हत्या इन्होंने नहीं की है प्रज्ञा ने नहीं की है हत्या इनकी बहन रिचा ने हत्या की है रिचा जो मर चुकी है 10 महीने पहले तो उसके भूत ने हत्या की आई मीन डोंट यू थिंक इट्स अ बिट टू मच नहीं ये जो आपकी टेढ़ी मेढ़ी बातें हैं ना मिस कोठारे ये सब सीधी हो जाएंगी जब आप जीटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर पंत का कथन सुनेंगी योर ऑनर आपकी इजाजत हो इजाजत है आई थिंक इट्स अ केस ऑफ स्प्लिट पर्सनैलिटी एक ही जिस्म में दो कहीं की जब देखो रोती रहती है सावंत सर तलाशी लो सर स्वामी की मिसेस लगता भाग गई सर उधर देखो सा सेल्फ ड्राइव की बुकिंग सावंत सा इस कार रेंटल को फोन करो और आरटीओ से इस कार को ट्रेस करो ओके सर योर ऑनर पहले तो मैं भी आश्चर्यचकित रह गया तत्पश्चात मैंने दोनों बहनों के अतीत के बारे में जाना तो पता चला कि बचपन से प्रज्ञा की दीदी रिचा इन पर दोस्त जमाया करती थी बचपन से ही इन पर हावी थी योर ऑनर नर्म स्वभाव की प्रज्ञा ने मुंबई आकर अपनी दीदी रिचा से तो पीछा छुड़ा लिया किंतु इनकी दीदी ने जो बरसों इनके साथ गलत व्यवहार किया जिस कारण इन पर गहरा प्रभाव पड़ा था उससे पीछा नहीं छुड़वा पाए और यही कारण था योर ऑनर कि जब स्वामी जी ने इन पर शोषण किया ये आत्मरक्षा नहीं कर पाई क्योंकि योर ऑनर प्रज्ञा में कभी अपनी रक्षा करने की हिम्मत थी ही नहीं ये तो काम रिचा का था और जब ये सब हुआ योर ऑनर तब इन्हें अपनी दीदी की याद आई ये सोच इनके मन में उठी कि काश अगर दीदी होती तो इन पर किए गए अत्याचार का वो बदला ले और इसी सोच ने योर ऑनर इसी सोच ने इनके अंदर रिचा के हाव भाव डाल दिए जिसके चलते योर ऑनर प्रज्ञा ने रिचा बनकर वो किया जो प्रज्ञा कभी नहीं कर पाती अपने शोषणकर्ता से बदला लिया घबरा मत प्रज्ञा आज तेरी बड़ी बहन तेरे खिलाफ हुए हर जुल्म का बदला लेगी उस कमीने से अरे तुम तो बहुत मजा आता है ना लड़कियों को फायदा उठाने में बहुत फायदा उठा लिया तूने मेरी बहन का अब अपने पापों की सजा भुगत तू आज के बाद से तू बिल्कुल आजाद है प्रज्ञा बिल्कुल आजाद आज तक की मुझे बहुत पसंद आई लेकिन केडी अंकल मुझे ये वाली स्टोरी नहीं सुननी है
मुझे ना एक राजा रानी की किंग क्वीन की स्टोरी सुननी है, वो वाली स्टोरी जिसमें किंग और क्वीन की ना एक प्रिंसेस भी होती है छोटी सी। प्लीज 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 कोई तो रिक्वेस्ट करो। जज साहब आप ही कमाल कर रहे हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ और आप इनसे कह ही नहीं रहे। मुझे वो वाली स्टोरी सुननी है, राजा रानी वाली स्टोरी। योर ऑनर, मिस कोठारे। जज साहब प्लीज बोलिए ना, इन्हें मुझे स्टोरी सुनाए। प्लीज आप लोग क्यों नहीं उनको बोलते मुझे इसी वाली स्टोरी सुननी है। केडी अंकल की। मिस कोठारे, स्टॉप दिस नॉनसेंस इमीडिएटली। आई विल स्टॉप, ऑफ कोर्स आई विल स्टॉप। लेकिन मुझे इस बात की हैरानी है जज साहब कि इस तरह की अदाकारी जब मैं दिखाती हूँ, यानी कि मैं जब कोई बन जाती हूँ तो आपको नॉनसेंस लगता है, लेकिन वही अदाकारी जब इनकी क्लाइंट प्रज्ञा जी दिखाती है, माना कि वो बहुत बेटर एक्ट्रेस है, लेकिन जब वो यही अदाकारी दिखाती है, जब ये कुछ और बन जाती है, तो आप सब लोग यकीन कर लेते हैं। दिस इज नॉट डन राइट मिस्टर केडी पाठक। कम ऑन प्रज्ञा जी, परफॉर्मेंस टाइम। आइए सबको परफॉर्मेंस दिखाइए। कम ऑन, ऋचा को बुलाइए। आई वांट टू मीट ऋचा, मैंने सिर्फ फोटोग्राफ में देखा, उनको ऋचा को बुलाइए। चलिए बोलिए। प्लीज कीप योर काम। ये ढोंग कर रही हैं। आपने डॉक्टर्स की रिपोर्ट पढ़ी है, आप जानती है कि उन्होंने मना किया है। नहीं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स पर विश्वास ही नहीं करती जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगी। मैंने नहीं देखा है इसे ऋचा बनते हुए। आपने देखा है, मैंने नहीं देखा है। जज साहब ने ये तो क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ? बोल सकता हूँ अपने क्लाइंट को। तो सारी पुलिस, इंस्पेक्टर राठौर, सारे जज सकता है। जब तक मैं विश्वास नहीं करती, अपने आंखों से नहीं देखती, तब तक। योर ऑनर, दिस इज रिडिकुलस। तो तू मुझसे मिलना चाहती है? Order, please, order. ले, आ गई मैं। मैं हूँ रिचा। Stop acting, okay? चुप। मैं रिचा हूँ। क्या प्रज्ञा की हिम्मत होती इतने साफ तरीके से बिना हा 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 हकलाए बोलने की? नहीं ना, मैं रिचा हूँ। मेरी बहन बेकसूर है, ना मेरी बहन ने हत्या की है, ना मैंने। किसने मारा रिचा? बताती हूँ, आप लोगों की आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ है वो यूं हट जाएगा। उस दिन जब मैं उस घर में गई तो मैंने देखा कि आपका सो कॉल्ड स्वामी अधमरा पड़ा था। आई तो थी तुझे धमकाने के लिए कि मेरी बहन से दूर रहना, लेकिन लगता है तूने मेरी बहन के अलावा दूसरों की भी जिंदगी बर्बाद की है। अबे हट साले, मर तू, मर। मैंने देखा था उस खूनी को भागते हुए, प्रज्ञा ने नहीं। अगर उसने देखा होता तो कब का बता चुकी होती कि खूनी कौन है। हाँ तो बताओ ना, इनविटेशन चाहिए बताने के लिए। वहां बैठा वो आदमी, माइंड ब्लोइंग सुपर। मतलब अब इनके अंदर जो इनकी बहन आई हुई थी रिचा, वो भी कह रही है कि रिचा भी बेकसूर है। मतलब ना प्रज्ञा, ना रिचा, ना रिचा बनकर प्रज्ञा, ये दोनों कह रही है कि हम दोनों तो भाई बेकसूर हैं, खूनी कोई तीसरा ही आदमी है और वो है चिन्मय। सरासर बकवास कर रही है ये लड़की। ऐसी लड़कियों को उल्टा लटका कर थर्ड डिग्री देनी चाहिए। तेरी तो ज्यादा बकवास की तरह। कौन है खूनी, कौन है खूनी, अभी बताती हूँ। कौन है रिचा, कौन है प्रज्ञा, ये भी बताती हूँ, मतलब ये लड़की यहाँ पर जज साहब आपके सामने, पूरे कोर्ट के सामने मुझ पर हाथ उठा रही है और यहाँ पर केडी पाठक ये लड़की खून के पूरे कोर्ट को यहाँ पे मैसेकर क्रिएट कर सकती है। पागल हो गई है ये, इसके अंदर एक जानवर है, इस जानवर को सजा देनी है हमें। अब सॉरी I'm sorry, sir. मुझे नहीं पता ये कि sorry, sir.
Hello. Hi, Mr. Vonmer. This is Sheetal here. From my joint account in your Swiss bank. Yeah, I have the details. Yeah, madam. Mumbai se kahan tak bhaga lai aap hame? Hello. Sir, मैं वही रिचा बोल रही हूँ जिसने आपको फोन किया था. रिचा? सर, एक्चुअली मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है और कौन कर रहा है, लेकिन जब अदालत में प्रज्ञा का सच बाहर आया, मुझे आपको कुछ बताना है. प्रज्ञा, पिछली अदालत में तुमने हमें बताया था कि तुमने, मतलब रिचा बनकर तुमने ऐसा बोला था कि जब तुम आश्रम पहुंची तो तुमने स्वामी जी के कक्ष से चिन्मय को भागते हुए देखा. सर, अगर पता होता तो मैं शुरू में ही बता दी होती. वेरी गुड मिस्टर पाठक. अब ये बात साबित करने के लिए आपको अपनी क्लाइंट यानी प्रज्ञा के अंतर से ऋचा को बुलाना पड़ेगा. नहीं, वो इसलिए क्योंकि वहां पर प्रज्ञा तो थी नहीं, वहां पर कौन थी? ऋचा. तो आप रिक्वेस्ट कीजिए ना अपने क्लाइंट से कि ऋचा को बाहर निकाले. अब आप कैसे करेंगे, मतलब क्या बोलते हैं आप कि ऋचा कम कम बेबी कम, ऋचा कम ऑन, ऋचा कॉलिंग, हेलो हेलो ऋचा. नहीं, ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं है. जो यहाँ है नहीं अदालत में, उसे बुलाने की क्या आवश्यकता? जो है उन्हें बुलाते. योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं चिन्मय जी को कटघरे में बुलाना चाहूँ. अनुमति है. चिन्मय भाई, क्या आप वहां कर रहे थे स्वामी जी के कक्ष के पीछे रात के 10 बजे? क्या क्या कर रहे थे? सर, आश्रम में मेरी ड्यूटी एक माली की है, एक गार्डनर. सर, मैं बगीचे में पौधों को पानी दे रहा था और सर पानी की मेन पाइप स्वामी जी के कक्ष के बाहर ही है, तो इसलिए सर मैं. क्या करते थे आप? माली? जी, गार्डनर. तो हर गार्डनर ये जानता है, हर माली ये जानता है कि इतनी रात के 10 बजे पौधों में फूलों में पानी नहीं दिया जाता. आप नहीं जानते? विचित्र बात है. चलिए छोड़िए, क्या दे रहे थे आप पौधों में फूलों में? जी, उन्होंने क्या कहा अभी? पानी, H2O, आपकी भाषा में जल. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है मुझे चिन्मय भाई, कि स्वामी जी ने अपने आश्रम में वो जल बचाओ अभियान चलाया था, आपको पता है ना, जल बचाओ अभियान, जिसके अंतर्गत रात के 9 बजे से लेकर सवेरे के 4 बजे तक पानी नहीं आता था. मैडम, नो जल, नो वाटर, नो पानी, नो H2O. तो फिर आप कहां से पानी ढूंढ कर लाए, कृपया बताइए. आप मुझे बताएंगे या पुलिस के रिमांड रूम में बताएंगे? कहां बताना चाहते हैं? नहीं नहीं सर, मैं आपको सब कुछ साफ साफ बताता हूँ. बहुत सच्ची बताए. वो क्या है सर, मैं उस दिन, सर एक्चुअली उस रात मैं स्वामी जी के कमरे में गया था सर, उनके उनके बैंक लॉकर की चाबी चुराने. सर लेकिन ये सब मुझे शीतल जी के कहने पर करना पड़ा. शीतल जी कौन? वो शीतल जी स्वामी सत्यानंद की पत्नी. ऑर्डर ऑर्डर. स्वामी जी की पत्नी? मर्डर से 4 दिन पहले वो मेरे पास आई थी. जिनमें मुझे पता है कि तुम्हें सत्या के सारे खुफिया अकाउंट्स की जानकारी है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि उसके सारे अकाउंट्स में मैं भी पार्टनर हूँ. आप मुझसे चाहती क्या शीतल जी? बस यही कि तुम सत्या के कमरे में जाकर हमारे जॉइंट अकाउंट की चाबी चुरा, जिसमें वो सारे पेपर्स और बॉन्ड्स रखे हुए, ताकि मैं उसके स्विस बैंक से सारे पैसे निकालूं. और हाँ, बदले में तुम्हें 10% मिलेगा. मतलब स्वामी जी से धोखा? धोखे से कमाए हुए पैसे को धोखे से लेना नहीं कहते, मौका कहते हैं, मौका. सर मैं लालच में आ गया था सर. सर मैं स्वामी जी के कमरे में गया वो चाबी ढूंढने, लेकिन सर बहुत ढूंढा, वो चाबी मुझे नहीं मिली. और सर मैं निकलने ही वाला था कि सर स्वामी जी के साथ प्रतीक को देखा. सर दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी. सर मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है. सर मैं वहां से घबराकर भाग गया और सर मैंने बाहर से अंदर देखा सर. जी, उस रात मैं सत्यानंद से मिलने गया था. क्यों छिपाई तुमने ये बात? क्योंकि मुझे लगा कि फिर आप सब मुझ पे ही शक करेंगे. एक तो मैं पहले से ही शॉर्ट टेंपर, ऊपर से उस रात में उस आदमी से लड़ना ही तो गया था. क्यों? प्रज्ञा के लिए सर, और क्या. मैंने बताया उसे
कि मुझे उसकी ब्लैकमेलिंग के बारे में सब पता चल चुका है और उस कमीने को यह धमकी थी कि अगर उसने प्रज्ञा की तरफ आंख उठा के भी देखा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। लेकिन मैंने उसे मारा नहीं सर, सिर्फ धमकी देके वहां से निकल गया। आई स्वेयर प्रज्ञा की कसम, प्रज्ञा की कसम, प्रज्ञा की कसम। यही कसम आप रिचा पर भी खा सकते हैं। रिचा की कसम, उसी रिचा जिस रिचा से आपने मुझे फोन करवाया था अभी अभी यहाँ अदालत में उपस्थित होने से पहले। बेचारी घबराई हुई लड़की ने मुझे फोन किया था आपके कहने पर। हेलो सर, मैं प्रतीक की कजन हूँ। उसने ही कहा था कि मैं आपको रिचा बनकर फोन करूँ ताकि प्रज्ञा बच जाए। मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। और क्या करता सर, प्रज्ञा को बचाने के लिए मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं जानता था कि जब तक रिचा गवाही नहीं देगी प्रज्ञा कभी भी निर्दोष साबित नहीं होगी, इसीलिए मैंने अपनी कजन से ये सब करवाया ताकि आपको रिचा के मुंह से प्रज्ञा की बेगुनाही का सबूत मिले। नहीं, जरा कंफ्यूजिंग सा है, रिचा के मुंह से प्रज्ञा की गवाही और वो रिचा जो रिचा है ही नहीं, ये नहीं करना चाहिए। ये बताओ कि फिर तुमने चिन्मय को क्यों बसाया? क्योंकि इस कमीने पर मुझे हमेशा से शक था। स्वामी के सारे खुफिया अकाउंट की खबर भी इसे ही है। और मेन बात सर, उस रात जब मैं स्वामी के कमरे से निकला तो बाहर मैंने इस चिन्मय को एक औरत के साथ बातें करते हुए देखा। एक्सक्यूज मी प्रतीक, अब ये एक और औरत कौन है? नहीं, पहले ही हम दो को झेल रहे हैं, अब ये तीसरी औरत कौन है भाई? ये औरत सर, स्वामी सत्यानंद की बीवी शीतल। मैं उस रात चिन्मय से मिलने गई थी, मुझे लॉकर की चाबियां चाहिए थी। लेकिन जब मुझे चिन्मय ने कहा कि लॉकर की चाबियां यहाँ नहीं है, तो मैं सत्या के मरने के बाद उसके दूसरे आउट हाउस में गई जहाँ से मुझे लॉकर की चाबियां मिली। मैं उसके लॉकर से सारे अकाउंट पेपर्स लेकर अपने लिए पैसा विड्रॉ करना चाहती थी। मैं समझा नहीं, उस रात को आप स्वामी सत्यानंद जी से, सॉरी सत्या आपके पति, उनसे मिली थी? जी नहीं, मैं तो उस दिन उनके कमरे में भी नहीं गई, चिन्मय के साथ बाहर ही खड़ी थी। और उस दिन मैंने भी इसकी तरह इस लड़की को वहां आते देखा, रिक्शा में बिल्कुल अकेली। इसी ने मारा है मेरे पति को। बहुत सही कह रही हैं आप, ये कत्ल प्रज्ञा ने किया है। इसका एक और सबूत है मेरे पास, ये है ये नेल गन, कत्ल का औजार, और ये नेल गन प्रज्ञा का है। फिंगरप्रिंट की यह रिपोर्ट भी है यहां पर। तो मेरे समझ में एक बात नहीं आती है मिस्टर केडी पाठक, कि ये प्रज्ञा कुछ भी बके जा रही है और आप इस बात पर। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहिबा बिल्कुल उचित कह रही हैं। यही है ये नेल गन, हत्या का औजार जिस पर प्रज्ञा के ही उंगलियों के निशान है, किंतु योर ऑनर इनके दाहिने हाथ। साथ साथ मैंने ये भी देखा कि जब जब मैं तुमसे मिला हूँ प्रज्ञा, तुमने किसी भी वस्तु को उठाने के लिए अपने दाहिने हाथ का ही उपयोग किया। लेकिन किंतु परंतु प्रज्ञा, उस दिन जब तुमने इंस्पेक्टर राठौर को थाली खींच कर मारी थी तब अपने दाहिने हाथ का नहीं बाएं हाथ का उपयोग किया था, और अदालत में जब तुमने जूता, याद है पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा को जूता मारने का प्रयास किया था, तब भी ये तुमने राइट हैंड का नहीं लेफ्ट हैंड का उपयोग किया। सर, तुम जरा चुप रहना, जब तुमसे पूछा जाए तभी बोलना, समझी? मिस्टर पाठक, ये राइटी लेफ्टी ये सारी बातें करके आप क्या साबित करना चाहते हैं, जरा बताएंगे? नहीं, मैं बताने वाला था, आप जरा चुप रहिए, जब आपसे पूछा जाए आप तब बोलिए। योर ऑनर, ये चित्र है दोनों बहनों की, इससे साफ होता है कि प्रज्ञा ने अपने दाहिने हाथ में बैडमिंटन का रैकेट पकड़ा है, जबकि रिचा ने अपने बाएं हाथ में बैडमिंटन का रैकेट पकड़ा है, जिसका अर्थ ये होता है योर ऑनर के प्रज्ञा राइट हैंडेड है और रिचा लेफ्ट हैंड, जिसका अर्थ ये होता है योर ऑनर कि इस नेल गन जो हत्या का औजार है, इस पर प्रज्ञा के दाहिने हाथ के उंगलियों के निशान पाए गए, रिचा के बाएं हाथ का नहीं, योर जिसका अर्थ ये होता है कि रिचा ने कभी इस नेल गन को छुआ ही। मिस्टर पाठक, अगेन एंड अगेन। मैंने आपसे कहा ना, आप शांत खड़े रहिए, जब पूछा जाए बोला जाए तभी बोलिए, प्लीज, मैं दलील रख रहा हूं यहां। सॉरी योर ऑनर, जिसका अर्थ ये होता है कि इस नेल गन को कभी रिचा ने छुआ ही नहीं,
जिसका अर्थ यह होता है कि प्रज्ञा ने ऋचा बनकर जो कथन दिया है अदालत में कि उनके आने से पहले स्वामी सत्यानंद जी की हत्या हो चुकी थी, संभव है कि उस बात में सत्य हो या फिर ये बात झूठ भी हो सकती है। I'm so sorry, with your permission, Mr. Pathak, क्या मैं अब बोल सकती हूँ? नहीं नहीं बोलिए ना प्लीज, औरतों को बोलने से कौन रोक सकता है। थैंक यू मिस्टर पाठक। ये आप ही की थ्योरी है ना मिस्टर पाठक, प्रज्ञा राइटी है, ऋचा लेफ्टी है। इस नेल गन पर दाहिने यानी कि राइट हैंड के उंगलियों के निशान है और इस केस में राइटी कौन है? प्रज्ञा। यानी कि इस गन पर किसके उंगलियों के निशान है? प्रज्ञा के। खून इसी गन से हुआ है, यानी कि खूनी कौन है? प्रज्ञा है। मैं बार बार यही बात आपको समझा रही हूँ। आप, I just told you not to open your mouth। तुमने ही खून किया है, उंगलियों के निशान तुम्हारे, औजार तुम्हारा, और तुम्हारे पास मोटिव भी था। खूनी ये लड़की है। प्रज्ञा, प्रज्ञा। मैंने खून नहीं किया। मेरी बहन ने खून नहीं किया, समझ में आया? मेरी बहन बेकसूर है, उसने खून नहीं किया। मैंने भी खून नहीं किया, समझ में आया? वो बेकसूर है। मेरी बहन ने खून नहीं किया। ये पहली बार नहीं, दूसरी बार हो रहा है। इनके हाथ में चप्पल नहीं या पेपर कटर किसी से भी ये हमला करने के लिए तैयार होती है। आपको और क्या सबूत चाहिए? अरे ये खून है, ये किसी का भी खून कर सकती है। मैंने मारे सत्यानंद को सर, मैंने मारे। आप जो कुछ कहना चाहते हैं कटघरे में आकर कहिए। मैंने प्रज्ञा के घर जाकर उसकी नेल गन चुराई। और उस रात आई किल्ड। मैंने मारा और इस बात का मुझे कोई गम नहीं। मुझे फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन इस लड़की को छोड़ दो। यह अदालत मिस्टर प्रतीक झा के इकबाल जुर्म के बाद इस मुकदमे में मिस प्रज्ञा पारेख को निर्दोष मानते हुए उन्हें बाइज्जत बरी करती है और मिस्टर प्रतीक झा को हिरासत में लेने का हुक्म देती है। दिस केस इज क्लोज। प्रतीक ने सर, उसने ये सब मेरे लिए किया सर, अब उसका क्या होगा सर? प्रज्ञा, मुकदमा चलेगा उस पर। ये सब मेरी वजह से हो रहा है सर, सब प्लीज बचा लीजिए सर। क्या आप उसका केस ले सकते हैं सर? आई नो प्रज्ञा, लेकिन उसने अदालत में एक बाले जुर्म किया है, उसके बाद मैं डोंट वरी, मुझे थोड़ा सोचने का समय दो। आई डू समथिंग। तुम अकेली गई थी वहां प्रज्ञा, सच बोलो, गई थी या नहीं? ऋचा दीदी भी मेरे साथ थी। तुम भी धोखा खा गए केडी पाठक। अचानक तुम्हें क्या हो गया प्रज्ञा? मैं प्रज्ञा नहीं, ऋचा हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं ऋचा दीदी बनके स्वामी जी को मार दिया? क्या मिस्टर पाठक, कैसे वकील हैं आप? मेरी बेकसूर बहन को बचा नहीं सकते? प्रतीक सर, आप इतनी रात को? मिस्टर प्रतीक, इस केस में आपका वकील कौन है? देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूं योर ऑनर। मिस्टर केडी पाठक, आप? योर ऑनर, इस केस में मैं ही प्रतीक की वकालत करूंगा। योर ऑनर, हुआ ये कि कल रात मैं प्रतीक से भेंट करने आया। नहीं रात को? हाँ, इस बात की संतुष्टि करने आया था कि वास्तव में तुमने स्वामी जी की हत्या की है। की है? जी सर, I'm sorry, मैंने आपसे बार बार झूठ बोला। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब तो झूठ सुनने की आदत सी पड़ गई है, जैसे कि अभी तुम झूठ ही बोल रहे हो मुझसे। मैं समझाता हूँ कि तुम्हारे ही कथन अनुसार तुमने प्रज्ञा को बचाने के लिए स्वामी जी की हत्या की। प्रश्न ये उठता है कि उसी हत्या के आरोप में तुमने प्रज्ञा को ही क्यों फंसाया? समझ में नहीं आ रहा है कि तुम तब झूठ बोल रहे थे मुझसे या
अब झूठ बोल रहे हो मुझसे? वो इसलिए यार क्योंकि प्रतीक हत्यारा नहीं है, हत्यारा कोई और है। कौन है जी, कौन? प्रयास करूंगा मिस कोठारे केस सुनवाई के अंत तक सबको पता चल जाए। योर ऑनर, ये बात अगर प्रज्ञा या फिर ऋचा कह लीजिए वो आकर अदालत में हमें बताएं तो अच्छा रहेगा। आपकी अनुमति चाहता हूं उन्हें कटघरे में बुलाने के लिए। अनुमति है? कैसी हो प्रज्ञा? ठीक हूं सर। ऋचा कैसी है? वो नहीं, वो तो तुम्हारे अंदर जो ऋचा है वो कैसी है? I don't know. प्रज्ञा तुम्हें पता होगा ना, तुम दोनों बहनें एक दूसरे के बारे में जानती हो सब कुछ। तभी तो प्रज्ञा को पता था कि ऋचा के हाथों से मेरे हाथ पर वो घाव लगा था तुम्हारे केस की सुनवाई में। तभी तो प्रज्ञा ने यानी कि तुमने मेरे दफ्तर में मुझसे पूछा था कि मेरे हाथ का घाव कैसा है। अब आपका हाथ कैसा है सर? हाँ ठीक है, छोटी सी खरोंची थी। अगर तुम्हें नहीं पता कि ऋचा क्या करती है तो फिर तुम्हें कैसे पता कि मैंने हाथ पर घाव लगा था? डॉक्टर ने तो कहा कि मैं बीमार हूँ। तुम बीमार नहीं, तुम बहुत बड़ी स्टार हो, बहुत बड़ी कलाकार हो। ये ऋचा प्रज्ञा, प्रज्ञा ऋचा, ये और कुछ नहीं, तुम्हारा अभिनय था बस। अगर यही अभिनय तुम किसी चलचित्र में करती तो तुम्हें पुरस्कार मिलता, लेकिन यहाँ अदालत में तिरस्कार मिलेगा तुम्हें। और सिर्फ तिरस्कार नहीं, जेल, कैद, उम्र कैद, शायद फांसी भी। और यही सजा है, यही दंड है जो तुम्हें मिलना चाहिए। तुम जैसी ओछी कमीनी औरत। ए केडी पाठक चुप! खबरदार, अगर मेरी बहन को कुछ बोला तो। I'm sorry, तुम इस समय कौन हो, ऋचा या प्रज्ञा? मैं ऋचा हूँ। ऋचा हो तुम, तो फिर तुमने ये गलत हाथ में क्यों पकड़ा है? मैं ऋचा हूँ, समझ में आया तुझे? मैं ऋचा हूँ। सब समझ में आया क्या मुझे प्रज्ञा? मैं चला दूंगी, फिर पता चलेगा कि कौन क्या है। तो चलाने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। अगर तुम ऋचा होती तो तुम्हें ये इस हाथ में पकड़ना चाहिए था, लेकिन तुमने इस हाथ में पकड़ा। पहले सही हाथ में पकड़ा था, इस समय गलत हाथ में पकड़ा है। तो मैं समझाता हूँ, पहले ये मुझे दे दो, इसमें कुछ है ही नहीं, खाली है। एनीवे, ऐसा सुना था मैंने, किसी ने मुझसे कहा था कि घबराहट में अक्सर व्यक्ति जो है वो सीधा उल्टा सही गलत इसका जो अंतर है ये भूल जाता है। वही तुमने किया, पहले तुमने सही हाथ में पकड़ा था, फिर मैंने गलत बोला तो तुमने गलत हाथ में मतलब सही हाथ में ले लिया। अब ये सही गलत क्या है एग्जैक्टली, ये कृपया। सर मैं सत्यानंद से सचमुच प्यार करने लगी थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने मेरा फिर से दिल तोड़ दिया, शादी के लिए मना कर दिया, मुझे फिर से एहसास दिला दिया कि मैं बस लोगों के इस्तेमाल करने की चीज हूं। इस्तेमाल किया और फेंक दिया, लेकिन इस बार मेरे सब्र का बांध टूट गया था। मैंने सोच लिया था कि मेरी जिंदगी में जितनी भी घटना घटी है उन सब का बदला मैं सत्यानंद से लूंगी, और मैंने अपने अतीत के हादसों और ऋचा दीदी की पर्सनालिटी को जोड़कर ये गेम खेला। आप कुछ ऐसा लग रहे हो बोले चुप, डबल कहेंगे बड़ा मजा आ रहा ना तुझे उस कमीने के साथ जाने में, लेकिन तू आज की बात से नहीं मिल। और मैंने सबको धोखे में रखा, बस आज नहीं जाएगी तू। सोचा कि अगर पकड़ी भी जाऊंगी तो बीमार कहकर मुझे छोड़ दिया जाएगा, और वैसे ही मैंने किया। प्रज्ञा, सोचने वाली बात है कि अगर इस विश्व में हर व्यक्ति अपने तिरस्कार का बदला हत्या से ले तो क्या होगा इस विश्व का? जाल तो आपने अच्छा बना था,
किंतु अपने ही जाल में फंस गई ना। ये हाथों की जो अदला बदली हुई, इससे प्रमाणित हो गया प्रज्ञा जी कि आप कभी रिचा थी ही नहीं, हमेशा आप प्रज्ञा थी। Am I left or am I sorry? Am I right or am I right? ये अदालत मिस्टर प्रतीक झा को बाइज्जत बरी करती है और मिस प्रज्ञा पारेख को अदालत को गुमराह करने के और स्वामी सत्यानंद के कत्ल के जुर्म में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा देती है। This case is closed. Thank you, Miss Kodare. वैसे एक बात हो? जी। मुझे ऐसा लगा कि आपने इस लड़की प्रज्ञा पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। नहीं नहीं नहीं, मिस कोठारे, किसी पर विश्वास करना गलत नहीं होता। विश्वास के बलबूते पर ही तो ये विश्व कायम है। गलत अगर कुछ है तो किसी को झूठा विश्वास दिलाना, और प्रज्ञा को उसके किए का दंड मिल गया। एक बात मानेंगे क्या? ये केस तो मैं जीत गई। जहां से मैं खड़ा हूँ मिस कोठारे, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज न्याय जीत गया, और न्याय के साथ विश्व के हर अदालत में इन वस्त्रों में खड़ा हर व्यक्ति जीत गया। हाँ, इस कैलकुलेशन के हिसाब से तो आप भी जीत गए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।